सतगुर नो सबको वेखदा जेता जगत संसार दिठे मुकत न हो वई जिचर शबद न करे विचार। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। मेरी साखी दा सरलेख है जीवन दे जुगत। जिद्दां कि अज असीं वेखदे हां कि बाणी ते असीं सारे ही पढ़दे हां, गुरद्वारे ते असीं सारे ही जांदे हां, नाम ते असीं सारे ही जपदे हां, पर गुरु दे शब्द नूं सुनन तो बाद अपने जीवन विच तब्दीली लियाना, अपना सुभा बदलना, कि अज असीं ये करदे पए हां। आओ अज असीं इतिहास वल जाके झांकी मारीए कि किद्दां भाई मेरू जी दा जीवन गुरु अर्जन पातशाह जी दी बाणी सुनन तो बाद तब्दील हो जांदा है। गुरु अर्जन पातशाह जी उस टाइम अमृतसर दी धरती ते विराजमान सी, ते ये जो भाई मेरू है ये चोरी चकारी दा काम करदा है। दो चार बंदे इहदे नाल हैगे इहदे ग्रुप विच जो मिलके कदी किसी दा समान चुरा लियांदे हैं, कदी किसी दे घर दा समान, कदी जाके किसी दी मज चुरा ले, कदे किसी दा घोड़ा चुरा के वेचदा, एदां करके मेरू जी अपने परिवार दा पेट पालदे ने। ते उस टाइम जिथे भाई मेरू रहिंदा सी उह नगर दे निवासी गुरु साहब जी दा दर्शन करन वास्ते अमृतसर जा रहे सी, ते भाई मेरू ने सोचिया जो दे नाल बंदे काम करदे सी कि चलो असीं भी गुरु साहब जी दा दर्शन करके आईए। रात उत्थे पहुंचदे ने, प्रशादा छकदे ने, विश्राम करदे हैं, दिन चढ़दा है, दरबार विच गुरु जी दा कीर्तन सुनदे हैं, विचारां सुनदे हैं, ते विचारां कीड़ियां चल रहियां ने। गुरु अर्जन साहिब जी उत्थे दसदे ने कि तैनू धर्म दी किरत करनी चाहीदी है, एक सुचज्जा जीवन जीना चाहीदा है, धर्म दी किरत करके ही अपना अपना परिवार दा पेट पालना चाहीदा है। ते भाई मेरू जी मन ही मन सोचदे ने कि ये जो गुरु साहिब जी दे वचन हैगे ये उन्ना दे हिरदे दे तीर दी तरह लग रहे सी, एने उन्ना नू चुभदे पए सी ये वचन कि अज साडा हिरदे भाई मेरू जी वर्गा हैगा जो गुरु दे शब्द नू सुनन तो बाद साडे हिरदे विच जाके वजे। उत्थे भाई मेरू सोचदा रहा, कथा कीर्तन सुनिया ते अपने घर वाल तुर गया। घर जाके अपनी पत्नी नू आखदा है कि ये जो साडे घर मज बंदी पई है ना, जिदा असी दो तीन महीने तो दुध पींदे पए आ, ये मज मैं मुल नहीं सी लियांदी, इनू ते मैं चुरा के लेके आया सी, ते अज मैं जाके उन्हां नू वापस करके आनी है। भाई मेरू जी दी पत्नी बड़ी ही नेक सुभा दी सी, वो कहंदी है इस तो चंगा काम ते कोई हो ही नहीं सकदा कि असी किसी दी चोरी कीती हुई चीज़ नू वापस मोड़ आईए। ते भाई मेरू आखदा है कि सिर्फ मज ही वापस नहीं करनी, असी जो दो तीन महीने दा दुध पी लिया है ना, उहदा सारा हिसाब किताब करके उहदे सारे पैसे मैं मोड़ के आने है। परिवार सहमत हो जांदा है, भाई मेरू उत्थे मज लैके पहुंच जांदा है, दरवाजा खड़खड़ांदा है, ते अंदर तो एक बुजुर्ग आदमी बाहर निकल के आंदा है। वो कहंदा है कि साडी ते मज कित्थे चोरी हो गई सी, मेरू कहंदा है मैं ही चुरा के लेके गया सी तुहाडे घर तो। ते वो जो बुजुर्ग सी वो आखदे हन कि चोरी कित्ती हुई चीज चोर कित्ता वापस लेके आ सकदा है। ते भाई मेरू कहंदा है जेड़े गुरु दा संग मिलिया है ना, वो आखदा है कि धर्म दी किरत करके अपने परिवार नू पाल, ये ठगियां करके परिवार नहीं पाली दे होंदे। ते वो बुजुर्ग आखदा है एनी जी गल सुन के केड़ा गुरु है जिन्ने तेरे जीवन नू तब्दील करता, ते आखदा है गुरु अर्जन पातशाह जी ने मेरे जीवन नू तब्दील करके रख दिता है। अज ना जाने असी किनिया ही बाणियां सुन लईयां, किन्ने ही कथा कीर्तन सुन ले कि असी अपने सुभा दे अंदर कोई चेंजेस लेके आए, क्योंकि असी वो बिरती नाल गुरुद्वारे जांदे ही नहीं आ, असी अपना अंदरला चेंज करन नहीं चाहते अज गुरुद्वारे विच। साडा भी सुभा काश मेरू जी वर्गा हुंदा कि असी भी गुरु दे शब्द नू सुन के
अपने जीवन नूं तब्दील कर लेंदे। एथे ते गुरुद्वारे जाके कां विरती वाला बंदा भी हंस बन जांदा है, पर असी की कर रहे हैं? सिर्फ गुरुद्वारे जाना, मत्था टेकना ते बाणी सुनना सिर्फ एथों तक ही सीमित रह गए हां। गुरु रामदास पातशाह जी अपनी बाणी विच आखदे हन, अमृत सर सतगुर सतवादी जित नाते कौआ हंस हो है। असी अपने आप नूं बदलन दी कोशिश ही नहीं करदे। वाहिगुरु जी बख्शिश करन साडे जीवन दे अंदर मेरू जी वाला सुभाव पैदा करन, ताकि असी भी गुरु जी दी बाणी नूं सुन के विचार के उहदे ते अमल करिए। हे गुरसिखा, तेरे अंदर तो तेरे बच्चे इन्ना सब देखन कि गुरसिख बनन दी चाह उहनां दे अंदर पैदा होवे। क्योंकि एक जो शब्द है वो शरीर नहीं, वो ते गुरु है। बाणी विच असी आप पढ़दे हां, बाणी गुरु, गुरु है बाणी, विच बाणी अमृत सारे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।